नगर परिषद ज्वालामुखी के कूड़े को शहर से दूरी सुरानी पंचायत के नजदीक जंगल में कूड़ा कचरा संयंत्र में टनों के हिसाब से भेजा जा रहा है, लेकिन विभागीय लापरवाही का आलम इस कदर है कि जिस ठेकेदार को यह जिम्मेदारी दी गई है उस ठेकेदार के कर्मी एक महीने से अपनी ड्यूटी पर गए ही नहीं और बीते सोमवार रात को भीषण आग वहां पर लग गई। कूड़े के लगातार चल रहे धुएं से साथ लगती सुरानी पंचायत में प्रदूषण फैल गया। सुरानी पंचायत प्रधान की माने तो गांव के लोगों को प्रदूषित वायु से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी का भी ग्रास बन सकते हैं। इसके अलावा जंगल भी पूरी तरह से आग के चलते गर्मी से तबाह हो सकते हैं और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। वहीं नगर परिषद ज्वालामुखी के सुरानी के समीप लगाए गए कूड़ा कचरा संयंत्र में भयंकर आग लगने से काफी नुकसान भी हुआ है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ कूड़ा कचरा सेंटर में आग लगाने पर शिकायत दर्ज करवा दी है और ठेकेदार को भी कोताही बरतने का नोटिस दे दिया है। नमस्कार जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत सुराणी प्रशासन और विभाग को इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारी पंचायत के साथ जो एरिया ज्वालामुखी नगर पंचायत का लगता है उस एरिए में नगर पंचायत ज्वालामुखी के द्वारा इतना कूड़ा करकट डाला जाता है। हमने उनको कई बार रिक्वेस्ट की लेकिन उनके काम पर जूं तक नहीं रेलती है। आज गर्मियों का मौसम है और वहां पर आग लगा दी है। इस आग का धुआं इतना हमारे गांव में फैला हुआ है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम विभाग से ये आग्रह करते हैं कि या तो NSC ज्वालामुखी को इस बात की चेतावनी दी जाए कि यहाँ पर वो कूड़ा करकट ना फेंके या उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।